अजमेर के रहने वाले 2.5 वर्षीय सिद्धार्थ मंडार ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर देश व दुनिया में शहर का नाम रोशन किया है। मासूम सी उम्र में सिद्धार्थ मंडार ने इन लाइन स्केटिंग में यह किताब हासिल किया है। सिद्धार्थ ने 16:30 में 1 किलोमीटर की दूरी तक की, इसके बाद उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 2 साल 5 महीने 22 दिन के सिद्धार्थ के पिता हरिभा उपाध्याय नगर में रहते हैं और योगा क्लासेस के साथ ही स्केटिंग का प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में जब सभी परिवार परेशान थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से बच्चे को कुछ बेहतर करने का लक्ष्य रखा और इसी दौरान अलग अलग वीडियो देखकर उन्होंने 2.5 वर्षीय सिद्धार्थ को स्केटिंग की कड़ी मेहनत कराए और जब व्यक्ति चलना सीखता है तब दो पहियों पर उसे दौड़ना सिखा दिया। उन्होंने बताया कि इन लाइन स्केटिंग के लिए रोजाना 5 घंटे वह बच्चों को अभ्यास कराते और इसी का फायदा मिला कि बच्चा शानदार स्केटिंग सीखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सका। बच्चे के पिता महेंद्र मंडार का मानना है कि वह अपने बच्चे को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम के साथ ही राष्ट्र के लिए सर्वोपरि बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने शुरू से ही बच्चे को ज्ञान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया में बच्चे गलत गलत चीजें देखकर उन्हें सीखते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान उन्होंने बच्चे को सही सीख दी और आगे जाकर वह देश के लिए गौरव बने और वर्ल्ड में अपना नाम कमाए, इसी का प्रयास किया जा रहा है। उनका मानना है कि वह बच्चे को हॉकी में ओलंपिक खेल में देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह जो भी बनना चाहेगा उसकी मर्जी होगी, लेकिन जिसमें भी वह परिपूर्ण होगा उसमें पूरी मेहनत और लगन से वह काम करेंगे। अभी बच्चे की उम्र 2 साल 5 महीने 22 दिन है। इसने इनलाइनर स्केटिंग जो अपने आप में स्केटिंग 3-4 तरह के होते हैं, उनमें सबसे बेस्ट लेवल होता है इनलाइन, जो एक ही लेवल में होता है। नीचे मैंने लेवल लगाए सारे कि इस हिसाब से होते हैं कि स्केटिंग 4 पहिए होते हैं, फिर 3 पहिए होते हैं, ऐसे करके स्लो चलते हैं। ये जो सबसे फास्ट होते हैं स्पीड स्केट्स होती है, जो इंटरनेशनल रेस में काम आते हैं, उस टाइप के इनलाइनर स्केटिंग करता है। क्या महारत हासिल की इसने भी जो स्केटिंग कर? इसने सबसे कम उम्र में वो यंगेस्ट सबसे छोटा बच्चा इनलाइनर स्केटिंग चला पूरी दुनिया में। इसने NH हाईवे 8 पे बनाया है, हाँ अजमेर में बनाया, उसमें अपने नोग किशनगढ़ पे जो रोड चलता है हाईवे पे, वहाँ पे मैं इसमें पेन ड्राइव में भी दूंगा आप सबको, तो उसमें सारी चीज़ है, डिटेल है उसमें कि 1 किलोमीटर कंटिन्यू इसने चलाया है स्केट्स। कहीं नाम दर्ज हुआ है इसका कोई? हाँ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है नाम दर्ज हुआ है इसका। कब हुआ है? इसका 20 तारीख को सन। हाँ, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको बच्चे को 2 साल की उम्र में इस तरीके से? मैं जैसे अभी लॉकडाउन हुआ इसमें बहुत मैं जैसे मान लो सब जने घर में रहते थे, मोबाइल चलाते थे, तो वीडियो फेसबुक पे सब जगह देखते थे, तो बहुत दिल दुखता था कि चाइना का बच्चा कर रहा है, कोई कुछ दूसरी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारी मतलब एक पीड़ा थी अंदर कि साल भर हो गया ये तो साल भर से गया। तो कभी भी इंडिया का जब फेसबुक हम सब चलाते हैं तो अपने इंडियन बच्चों के कभी बहुत अजीब से वीडियो आते थे, मतलब उनको मजाक बना रहे हैं, कोई ऐसे अब बद्दे टाइप के, मैं उसको कहना नहीं चाहूँ, कोई सिगरेट पी रहा है ऐसा अजीब से, तो चाइना के स्पोर्ट्स खेल रहे बोल के खूब सारे देखे मैंने वीडियो, कोई जंप कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, पूरा ग्रुप कर रहा है, तो बहुत एक पीड़ा थी कि इंडिया में हमारे जो DNA है, जो गौतम बुद्ध के हैं, महावीर के हैं, जो हमारे विवेकानंद के हैं, भगत सिंह के हैं और दूसरे वो दिखा रहे हैं, तो फिर मेरे को हमारे घर में अगर आप आएंगे तो इसके रूम में भी वही लगा है, तो एक इन सब पे पहले क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है, मेरी मिसेज योगा सिखाती है, तो एक पीड़ा थी कि पूरे विश्व का वापस से गुरु है और पूरे विश्व पे तिरंगा फहरा है और इसको सिद्धार्थ ने सिद्ध किया, तो बहुत ही इस क्षण पर मैं भावुक हूँ कि भारत के पूरी दुनिया पे वापस से विश्व गुरु जरूर बनेगा और हमारा मतलब बच्चे के थ्रू बने कैसे बने, बस ये है कि तिरंगे के लिए जिएगा, ये खेलेगा आप इंडिया के लिए खेलेगा, और मेरा सपना है कि ओलंपिक के लिए खेले, और आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने छोटे से निमंत्रण के लिए आप आए और बहुत अच्छा सा कर रहे हैं सब। सर, अभी कैसे बहुत छोटी मैं बच्चों के साथ कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं प्ले स्कूल में ही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी भारत की नींव, मेरे को खूब सारे स्कूल से ऑफर आते हैं, सब आते हैं, पैसे दिखाते हैं, मैं कभी कहीं नहीं जाता, मैं यहाँ प्ले स्कूल में ही जाता हूँ, ऑरेंज प्ले स्कूल में सिखाता हूँ, मैं मुखबधिर विद्यालय में जाता हूँ, खूब सारे निःशुल्क सिखाता हूँ मैं, बस मैं इसका नहीं फ्यूचर मैं डिसाइड नहीं कर सकता, जब अभी तो ये समझता भी नहीं है, इसने स्केट्स पकड़ा, मैंने कभी इसको ये फोर्सफुली नहीं किया कि स्केटिंग कर, क्लासेस चलती है, देखता रहता है जो भी ये करेगा, लेकिन हाँ जो भी खेलेगा ये जिएगा इंडिया के लिए करेगा, स्पोर्ट्स कोई जरूरी नहीं है, स्पोर्ट जो ये चाहेगा जो ये डिसाइड करेगा, लेकिन इंडिया के लिए करना है इसको।
बस ये है, कोई मतलब इसको थोपना नहीं है। अभी कल को बड़ा होगा कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ लो, आपको अगर मान लो कुछ भी कर रहा है मतलब कुछ छोटी सी भी चीज़ कर रहा है लिंक करेगा तो इंडिया के लिए करेगा। इसका नहीं, मेरा तो प्रयास यही रहेगा मैं रेगुलर रखूँ, कोच हूँ, मेरे को आती है, लेकिन मान लो इसका इंटरेस्ट स्विमिंग में, क्योंकि मेरे को ये था अगर लॉकडाउन ये कोरोना नहीं होता तो मैं उसको स्विमिंग भी करा था कि देश का प्रतिनिधित्व करे स्विमिंग में, लेकिन अब इसका इंटरेस्ट है, जब भी ये जिस चीज़ में आएगा मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी भी क्षेत्र में। और ठीक, आप क्या कहते हैं, आपने ओलंपिक में जाने की मैं लेकिन आपका भी तो कोई विचार होगा कि ये क्या बनेगा, ये बड़ा होकर भारत के लिए खेलेगा, बस मेरे लिए तो मैं कोई सा भी खेल खेले, अगर पर्सनल पूछा जाए मैं इसको हॉकी प्लेयर बनाना चाहूँगा। हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो पूरे विश्व पे राज करते हैं, मेरा मानना अगर हॉकी प्लेयर बने तो मेरी दिल की इच्छा थी, ऐसा कुछ करें तो हॉकी खेलेंगे।